बहुत अच्छा लगा क्योंकि ओलंपिक्स में मेडल आना बहुत बड़ी बात है और बैक टू बैक मेडल मिलना उससे खुशी की बात क्या होता है। और जब आप जब शुरुआत करने के टाइम से हम लोग यही सुन के आ रहा था कि हमारा इंडियन हॉकी का रिच हिस्ट्री और एक ग्लोरीफाइड टाइम, बट अभी हम लोग वो टाइम को रिक्रिएट कर रहे हैं। दो बार मेडल मिल चुका है, आगे वाला जो जनरेशन आ रहा है वो लोगों के लिए हम लोग एक रोल मॉडल बन रहे हैं कि हाँ यार आगे जाके आप लोग को भी मेडल जीतना है। वापस नहीं, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हज़ारों लोग था एयरपोर्ट में, आ गया हम लोग के लिए वेलकम किया, मीडिया पीपल भी बहुत लोग था वहाँ पे और यही चाहते हैं हम भी क्योंकि अब जीतने के टाइम लोग आए, हमारा सम्मानित करें और अपना घर में जाके अपना बच्चे लोगों को यही बोले कि यार आप लोग भी हॉकी खेले और आगे जाके ओलंपिक्स में मेडल जीतना है। तो एक जनरेशन को हम लोग को मोटिवेट करना है, एक जनरेशन को हम लोग को सिखाना है कि हाँ यार हॉकी खेलेगा तो आपको ओलंपिक्स में मेडल मिल सकता है। देख अच्छा लगता है कि लोग हमारे बारे में जानने के लिए सर्च कर लेता है, बट एक दुख का बात यह भी है कि तकरीबन 20 साल हो गया हॉकी खेलते हुए, अभी भी लोगों को गूगल करना पड़ रहा है कि पहचानने में, वो एक थोड़ा दुख की बात है। लेकिन हॉकी इंडिया ने आपको छोड़ा नहीं, जिम्मेदारी नहीं सौंप दी है, उस जिम्मेदारी को लेकर क्या सोचेंगे? देख अभी तक मैं कुछ सोचा नहीं हूँ, अभी घर जाना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और कोचिंग के बारे में डेफिनेटली इतना साल का एक्सपीरियंस है, बहुत बहुत कोचेस के अंडर काम किया है, तो मेरे हिसाब से वो जो जो चीज़ मैंने सीखा है वही बच्चों लोगों को सिखाना है और आगे का हॉकी को सिक्योर रखना है।